नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास में। पोएट्स पीजीटी के सिलेबस कल स्टार्ट हैं। हमने कीट्स को स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, एंड इन द लास्ट क्लास वी डेल्ट विद द बेसिक्स ऑफ कीट्स, उनकी बायोग्राफी की चर्चा की थी। एंड इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डील विद हिज ओड्स, राइट। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में बताया था कि 1819 जो है, इट इज़ द मोस्ट प्रोलिफिक ईयर इन कीट्स लाइफ। 1819 कीट्स के लाइफ का सबसे प्रोलिफिक, सबसे प्रोडक्टिव ईयर है, जिस साल उन्होंने अपने सारे ओड्स को लिखा था। बेसिकली कीट्स के 6 ओड्स हैं, और 6 ओड्स जो ये हैं, ओड ऑन अग्रेसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकोली, ओड टू अ नाइटेंगल अर्न, ओड टू साइकी, ये सब एक क्विक सक्सेशन में 1819 में लिखे गए थे। और सितंबर 1819 में लास्ट सॉनेट जो लास्ट ओड है, ओड टू द ऑटम लिखा गया था, राइट। ओड टू द ऑटम जो है, ये लिखा गया था कब? ये लिखा गया था सितंबर 1819 में, राइट। कब, किसने, कीट्स ने कौन सा ओड लिखा है, ये तो एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पता है। फिर भी कुछ क्रिटिक्स ने उनको ऑर्डर देने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम एज अ होल की बात करें, तो कीट्स के जितने ओड्स हैं, वो सब एक मैसेज जो देते हैं, मैसेज के हिसाब से, जिस पर क्रिटिक्स एग्री हैं, ओड्स रिप्रेजेंट कीट्स अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ शॉर्ट लिरिक, एक नए तरीके की शॉर्ट लिरिक को क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसने बाद के कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है, उनको जो है कई पीढ़ियों तक अपना इन्फ्लुएंस उन पर छोड़ते रहे हैं। अब हम कीट्स के एक एक ओड की बात कर लें, इंडिविजुअल ओड की। तो सबसे पहला जो ओड है, वो है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। आपको पता है कि कीट्स को ग्रीक भी कहा जाता है, और किसने कीट्स को ग्रीक कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द आंसर। कीट्स के लिए बेसिकली दो टर्म यूज किए जाते हैं। पीबी शैली ने कीट्स के लिए यूज किया है कि कीट्स वाज अ ग्रीक, राइट। क्या यूज किया है कि कीट्स वाज अ ग्रीक, ऐसा पीबी शैली ने बोला है। और क्यों बोला है? बिकॉज कीट्स की जो पोएम है, वो सिर्फ ग्रीक लिटरेचर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थी, ग्रीक से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे कीट्स, और इसीलिए उनको ग्रीक कहा है। और दूसरा, कीट्स के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, किड्स को हेलेनिस्टिक कहा जाता है। किड्स को हेलेनिस्टिक कहा जाता है इसलिए भी क्योंकि जो ग्रीक लिटरेचर की हिस्ट्री है, जब हम उसको हिस्ट्री पर देखते हैं, तो एक पीरियड है जो हेलेनिस्टिक पीरियड है, और हेलेनिस्टिक पीरियड वो है जो हेलेन से इंस्पायर्ड रहा हो, और हेलेन इज नोन फॉर हर ब्यूटी, और कीट्स को भी पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, इसलिए कीट्स को हेलेनिस्टिक भी कहा जाता है। कि जैसे कि वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाए, तो वर्ड्सवर्थ इज द वर्शिपर ऑफ नेचर, इन द सेम वे कीट्स इज द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, और कीट्स के लिए तो ब्यूटी ही सब कुछ है, ब्यूटी से आगे कीट्स तो कहीं बढ़ ही नहीं पाते, ब्यूटी के अलावा उनके लाइफ में कुछ है ही नहीं, इसीलिए कीट्स को जो है सेंसुअल पोएट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कीट्स को? सेंसुअल पोएट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज अप्रिशिएशन फॉर ब्यूटी। तो उस अप्रिशिएशन के ऑर्डर में हम ओड नंबर 1 की बात करें, तो सबसे पहला ओड जो है, वो है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, राइट। ग्रेसियन अर्न इज अ लिरिकल ओड, राइट, लिरिकल ओड है। और ग्रेसियन एंड के स्टेंजा पर जाएं, तो देयर आर टोटल 5 स्टेंजाज, राइट। इन द ग्रेसियन एंड देयर आर टोटल 5 स्टेंजाज, एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 10 लाइन्स, ईच स्टेंजा कंटेन 10 लाइन्स, इट मीन्स देयर आर टोटल 10 लाइन्स के कितने स्टेंजाज हैं? 5। तो देयर आर टोटल 50 लाइन्स इन द पोयम ओड ऑन अ ग्रेसियन एंड। पहले स्टेंजा की बात करें, तो जो पहला स्टेंजा है, ये किससे शुरुआत होता है? नारेटर जो है एक एंशिएंट अर्न को एड्रेस कर रहा होता है। अर्न एक पॉट होता है, बर्तन होता है, उसको एड्रेस करते हुए बोलता है कि दाउ आर स्टिल अनरैविश्ड ब्राइड ऑफ कॉर्न,
क्वाइटनेस, राइट। अनरैविस्ड का मतलब होता है बिल्कुल अनटच्ड हो, बिल्कुल बर्बाद ना हुआ हो, खराब ना हुआ हो, और उसको बोलता है कि आप तो बिल्कुल वैसे हो जैसे कि आप ग्रीक के टाइम पर हुआ करते थे और इतने शांत हो, उसको बोलता है ब्राइड, ब्राइड माने दुल्हन, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। क्या बोलता है, दाउ स्टिल अनरैविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ स्टिल अनरैविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। आप क्या हैं, आप अनरैविस्ड हैं, बिल्कुल अनटच्ड हैं और ब्राइड हैं क्वाइटनेस के। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि कीट्स ने ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस किसको कहा है, तो उत्तर क्या लगाएंगे आप, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस कीट्स ने किसको बोला है, तो उत्तर है उसका ग्रेसियन अर्न, ग्रेसियन अर्न को ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस बोला है। और यहाँ से कन्वर्सेशन शुरू होती है पोएट की और उस अर्न की, राइट। पोएट उस अर्न से कन्वर्सेशन करता है, विद द रीडर इज अलाउड टू ऑब्जर्व फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और ऐसा डिपिक्ट डिस्क्राइब करते हुए हैं कीट्स ने बाय डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट एज अ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, और फिर इसी को क्या बोलता है, उसी अर्न को फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस। फोस्टर चाइल्ड का मतलब होता है दत्तक पुत्र, राइट, अ फोस्टर चाइल्ड ऑफ ब्राइटनेस। अब देखिए फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस कि रोमांटिक पोएट्री में साइलेंस का कितना बड़ा रोल है, कि अनरैविस्ड है वो भी स्टिल है, शांत है, क्वाइटनेस की ब्राइड है, फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस है, तो पूरा फोकस ही साइलेंस पर है इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द ग्रेसियन अर्न, राइट। और फिर साइलेंस ही नहीं, उसको भी बोलता है कि फोस्टर चाइल्ड ऑफ स्लो टाइम भी है, टाइम उसके लिए बिल्कुल जो है स्टैटिक हो गया है, टाइम का डायनामिज्म खत्म हो गया है, और इसे शो क्या करता है कि इट इज स्टिल अनचेंज्ड और बिल्कुल शांति से पड़ा हुआ है। द पोएट जो है ही डिस्क्राइब्स द अर्न एज बोथ अ साइलेंट ऑब्जेक्ट, अ थीम विच जो है जनरली आती ही रहती है सारे रोमांटिक पोएट्स में और खास करके इस पोएम में, एंड स्टोन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट चेंज, और एक ऐसे भी ऑब्जेक्ट की बात करता है जहां पर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होते। दूसरे स्टेंजा की बात करें, थ्रू आउट द फर्स्ट टू स्टेंजा द स्पीकर जो है अर्न को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में एड्रेस करता है और उसके साइलेंस पर पूरी तरीके से फोकस करता है और डिस्कस करता है। सेकेंड स्टेंजा शुरू ही होता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से कि अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीट, अरे नहीं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, मतलब कि जिनको पहले से सुन लिया गया है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, वो तो स्वीट ही हैं, बट जो अबाउट टू कम है, जो भविष्य में आने वाला है, वो उससे भी बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद करता है। सेकेंड स्टंजा यहीं से शुरू होता है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, राइट। ये जो है सेकेंड स्टंजा यहाँ से शुरू होता है। अब हम अगर थर्ड स्टेंजा की बात करें कि थर्ड स्टेंजा में पोएट ने क्या शो किया है, तो विद लाइन नंबर 17 जो है, तो सेकंड स्टेंजा से ही एक चेंज आना शुरू होता है, चेंज ऑफ टोन शुरू होता है और फोकस भी शिफ्ट होता है, कहाँ से, अर्न से फोकस शुरू हो करके इंडिविजुअल जो उस पर जो है अर्न पर, बर्तन पर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उस पिक्चर की तरफ वो फोकस करता है, क्राफ्टमैनशिप की तरफ फोकस करता है, राइट। टू द पोएट एज अ कपल हु कैन नॉट किस, यार एक उस पर कपल बने हैं जो एक दूसरे को किस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ओनली डिपिक्टेड, दे आर नॉट रियल ह्यूमन बींग्स बट दे आर वेरी क्लोज, उसी की बात करता है। और फिर से वो डिस्कस करता है, अगेन द नैरेटर डिस्कसेस द अर्न्स अनएजिंग क्वालिटीज बाय सेइंग, मतलब उसकी एज तो घटनी बढ़नी नहीं है, अनएजिंग है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए बोलता है कि शी कैन नॉट फेड, दो दाव हैज नॉट दाई ब्लिस, वो फेड नहीं हो सकती क्योंकि वो आर्ट है, वो ब्यूटी है। यद्यप जो नैरेटर है, यद्यप जिसको एड्रेस कर रहा है उसको वह वरदान नहीं मिला है, वो फेड होगा, वो एजिंग में है, बट जो अर्न है वो पूरी तरीके से अनएजिंग की बात करते हैं, राइट। इन द सेकेंड स्टेंजा जो है पोएट क्या डिस्क्राइब करता है अपनी फीलिंग्स को, जब वो अनहर्ड म्यूजिक को सुनता है
तब वो यही बोलता है कि अनहर्ड म्यूजिक आर स्वीट, अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीट, बट दोज अनहर्ड जो है दे आर स्वीटर, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इन द थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टंजा जो है पोएट क्या करता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में जो है ही प्रेजेंट्स हिज ऑब्जर्वेशंस, राइट, अपने ऑब्जर्वेशन को प्रेजेंट करते हुए कहता है किसके बारे में, अबाउट द पेंटिंग एंड द सरफेस ऑफ द अर्न। और जैसे पोएम आगे बढ़ती है, क्लोज की तरफ जाती है, तो जो नैरेटर है वंस अगेन वो एड्रेस करता है उस अर्न को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में। हाउएवर यद्यपि जो उसकी टोन है, हिज टोन बिकम्स शार्पर, और ज्यादा तेज हो जाती है, एंड ही सीक्स आंसर्स फ्रॉम द वर्क ऑफ आर्ट दैट इट अपीयर्स अनेबल टू आंसर, उसी से क्वेश्चन पूछता है जहां से कोई आंसर नहीं मिलना है। और जो फाइनल कपलेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, द पोएट प्रोवाइड्स अ लाइन फॉर द अर्न विच कॉम्प्लिकेट्स द नैरेटिव, एक ऐसी लाइन बोलता है जिसके पूरी जो है नैरेटिव ही उसकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और वो है किसके बारे में, एंड हैज जनरेटेड अ मल्टीपल ऑफ क्रिटिकल रिस्पॉन्सेज एज द ऑथर्स इंटेंट, और उसको बोलता है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो एंड ऑल यू नो ऑन द अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पोएम की, उसको लिख देता हूँ। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है जो ऊपर आपके लिखा है, हु इज द पोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, तो आंसर है ग्रेसियन अर्न। और एक लाइन आपको बताया, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, दोज अनहर्ड आर स्वीटर, वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, अक्सर ये लाइन आई जाती है पेपर में और पूछ लेता है कि किस पोएम से है या किस पोएट की है। और आप अक्सर इस लाइन को अपने लाइफ में भी कोट करते रहते हो, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। इसी को हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, जो सत्य है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही सत्य भी है, दैट इज ऑल यू नो एंड दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो एंड ऑल यू नीड टू नो। इतना ही चीजें आप इस दुनिया में जानते हैं और इतना ही आपको जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा आप जानिए भी नहीं, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, राइट। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट्स ऑल यू नो ऑन द अर्थ एंड यू नीड टू नो, इससे ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट स्टैंजा था, ये फर्स्ट ओड था, ओज ऑन द ग्रेसियन अर्न। ग्रेसियन ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक इज द नेम ऑफ द लैंग्वेज एंड ग्रीक आर द पीपल ऑफ ग्रीस, द नेम ऑफ द कंट्री इज ग्रीस, और ग्रीस से ही ग्रेसियन बना है, उसका एडजेक्टिवल फॉर्म हो गया है। तो अर्न का मतलब हो गया एक पॉट, ग्रेसियन अर्न का मतलब ग्रीक का एक अर्न, उस पर ओड है। नेक्स्ट ओड जो है वो है ओज ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन इंडोलेंस कंप्राइजेज सिक्स स्टेंजास और 10 लाइन्स ईच, सिक्स स्टेंजास हैं इसमें, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में 5 स्टेंजास थे और यहां पे 6 स्टेंजास हैं, बट हर स्टेंजा में जो लाइन्स हैं वो लाइन्स सेम हैं, 10 लाइन्स ईच, मतलब देयर आर टोटल 60 लाइन्स इन द ओड, ओज ऑन इंडोलेंस। और ये पोयम, इंडोलेंस का मतलब क्या होता है, इंडोलेंस का मतलब होता है लेजी, लेसिट्यूट, राइट, लैकडेसिकल, बहुत जो लेजी हो, सुस्त हो, वो इंडोलेंस होता है। और पोयम जो है डिस्कसेस अ मॉर्निंग ऑफ लेजीनेस, एक ऐसी मॉर्निंग को जो है डिस्कस करती है जो पूरी तरीके से बिल्कुल सुस्त है, ड्यूरिंग विच हिज अटेंशन इज कैप्टिवेटेड बाय द 3 फिगर्स ही सीज इन अ विजन, राइट, और एक विजन देखता है और उसका अटेंशन उसी पर पूरी तरीके से केंद्रित हो जाता है। और फिर बाइबल के एक चैप्टर मैथ्यू से जो है एक एपिटाफ भी पोएट ने यहाँ पे लिया है, कहाँ से लिया है एपिटाफ, एपिटाफ टेकन फ्रॉम
एपिटाफ क्या होता है? यू नो नाउ बेटर। और अगर नहीं जानते कि एपिटाफ क्या होता है तो मेरे हिसाब से आपको सर्च भी कर लेना चाहिए कि एपिटाफ किसे कहते हैं। एपिटाफ इज फ्रॉम मैथ्यूज, राइट? एपिटाफ इज फ्रॉम मैथ्यूज। यहां से एपिटाफ पोएम का लिया गया है। द पोएट इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ इंडोलेंस थ्रू द एक्सर्ट फ्रॉम जीसस सजेशन। जीसस क्राइस्ट के सजेशन से आज जो है शुरू करता है। और जीसस का सजेशन क्या था कि गॉड प्रोवाइड्स फॉर द लिलीज ऑफ द फील्ड विदाउट मेकिंग देम टॉयल, राइट? उनको कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ उनको लिली बना दिया है। और जो पोएम जो है फिर यहाँ से डिस्क्राइब करती हूँ थ्री फिगर्स को जो अलग अलग जो है कपड़े पहने हुए हैं, वेयरिंग प्लासिड सैंडल्स व्हाइट रोब्स। प्लासिड का मतलब होता है शांत। सैंडल्स पहने हैं, व्हाइट रोब्स पहने हैं, कुछ जो किसका किसकी याद दिलाती है? एक ग्रीक की माइथोलॉजी की याद दिलाती है, दैट कॉमनली अपियर्स इन द 1819 ओड्स, राइट? पिछला वाला जो ओड बताया वो भी ग्रेसियन एंड पर ही था, यहाँ पर उसी की बात फिर वो बताता है। और जो इमेज है वो पास द नैरेटर्स थ्री टाइम्स, तीन बार वो उससे होकर के गुजरती है, विच काजेज हिम टू कंपेयर देम टू इमेज ऑन ए स्पिनिंग अर्न, जिसको एक स्पिनिंग अर्न से, घूमते हुए अर्न से कंपेयर करता है। 10वीं लाइन में जो है नरेटर एक वर्ड यूज करता है और उस वर्ड को बोलता है, यह है फीडियन, PHIDIAN, फीडियन। और फीडियन अगेन एज अ रेफरेंस टू जो है एल्गिन मार्बल्स, राइट? हुज क्रिएशन वॉज थॉट टू हैव बीन ओवरसीन बाई फिडास। फिडास वॉज अ ग्रेसियन आर्टिस्ट, राइट? उसी का जिक्र करता है। तो अगर ये पेपर में आ जाएगा कि फिडियन का जिक्र किस ओड में किया है कीट्स ने, जो कि एक ग्रीक आर्टिस्ट था, तो उसका आंसर है कि ओड ऑन इंडोलेंस में। नाम लिख देता हूं, फिडियन और फिडास, PHIDIAN, फिडियन का जिक्र उन्होंने किया है। और ये फिडियन कौन है? ये फिडियन बना है फिडास नाउन से, जैसे अमेरिका से अमेरिकन, वैसे फिडास से फिडियन, PHIDIAS। फिडास जो था ये था कौन? वैसे ये था एक ग्रेसियन आर्टिस्ट। फिडियस जो है ये ग्रेसियन आर्टिस्ट था, उसकी बात करता है। और जैसे जैसे पोयम आगे की तरफ बढ़ती है तो नैरेटर जो है क्या डिस्कस करना शुरू करता है। द डिस्कस जो नैरेटर है, ही बिगिंस टू डिस्कस द इंट्रूजन अपॉन हिज इंडोलेंस बाय द फिगर्स ऑफ लव, एम्बिशन एंड पोइजी, एंड सजेस्ट दैट द इमेज हैव कम टू स्टील अवे हिज आइडल डेज। जो उसके सुस्ती के दिन हैं, ये सारी इमेजेस आई हैं उसको खत्म करने के लिए। और जो फाइनल स्टेंजा है, इन द फाइनल स्टेंजा द फिगर ऑफ पोइजी इज डिस्क्राइब्ड जो है एज अ डीमन, विच हेलेन वेंडर सजेस्ट पोजेज अ लिटिल जो है पोजेज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द आइडलनेस द पोएट विशेज टू रिटेन। इन द फाइनल लाइन्स जो है द पोएट वंस अगेन रिजेक्ट्स द थ्री इमेजेस, उनको रिजेक्ट करता है और बोलता है, वैनिश यू फैंटम्स फ्रॉम माई आइडल जो है आइडल स्प्राइट इन टू द क्लाउड्स एंड नेवर मोर रिटर्न। उनको वापस जाने को बोलता है और कहता है कि कभी वापस नहीं आइएगा, विद द इंटेंशन ऑफ वंस अगेन इंजॉइंग द लेजीनेस फ्रॉम विच द पोयम ऑब्टेन्स द टाइटल, राइट? तो ओड ऑन इंडोलेंस में पोएट इंडोलेंस को ही इंजॉय करता है, इंडोलेंस को डिस्क्राइब करता है और उसी में जो है खोया हुआ है और उसी को अप्रिशिएट भी करता है। नेक्स्ट जो ओड है वो है ओड ऑन मेलंकली। ओड ऑन मेलंकली इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द 1819 स्प्रिंग ओड्स, सबसे छोटा ओड है ये, राइट? बट द ओरिजिनल फर्स्ट स्टैंजा वॉज रिमूव्ड बिफोर द पब्लिकेशन इन 1820 बाई स्टाइलिस्टिक रीजन्स।
ओरिजिनल जो स्टेंजा था उसको हटा दिया गया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पेपर में कि कौन से ओड का पहला स्टेंजा रिमूव कर दिया गया था पब्लिकेशन से पहले, तो आप उसका उत्तर लगा देंगे ओज ऑन मेलंकली, राइट। ओड ऑन मेलंकली का पहला स्टेंजा कुछ स्टाइलिस्टिक कारणों की वजह से पब्लिकेशन के पहले रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और पोएम जो है डिस्क्राइब क्या करती है, द पोएम डिस्क्राइब्स जो नारेटर है उसके ओपिनियन को मेलंकली पर, मेलंकली का मतलब होता है सारोफुलनेस, सैडनेस पर उसका क्या व्यू है, सैडनेस पर उसका क्या एटीट्यूड है, उसी एटीट्यूड को डिस्क्राइब करता है। और एंड इज एड्रेस्ड स्पेशली टू द रीडर अनलाइक द नैरेटिव ऑफ मेनी ऑफ हिज अदर ओड्स, द जैसे कि उनके सारे ओड होते हैं लिरिकल होते हैं, तो द लिरिक नेचर ऑफ द पोएम अलाउज द पोएट टू डिस्क्राइब द ऑनसेट ऑफ मेलंकली एंड देन, मेलंकली को डिस्क्राइब करता है और उसके बाद क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द रीडर राइट विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द इमोशंस इन्वॉल्व, राइट। इमोशंस के साथ, इमोशंस को अलग तरीके से डील करने की बात करता है और डिफरेंट पर्सोनिफिकेशंस का यूज किया है। और पर्सोनिफिकेशंस कौन कौन से हैं, द पोएम क्रिएट्स कैरेक्टर्स आउट ऑफ जॉय प्लेजर डिलाइट ब्यूटी एंड अलाउज देम टू इंटरैक्ट विद टू अदर कैरेक्टर्स विच टेक द शेप ऑफ अ मेल एंड फीमेल मिस्ट्रेस, जैसा कि मेंशन किया है उन्होंने अपने लाइन में, इन सबको एक मेल और फीमेल से इंटरैक्ट कराता है। Keats himself fails to appear as a character in the poem, right? वो खुद एक poet में character की तरह appear होते हैं, as there is no mention of the poet himself suffering from melancholy. In the final stanza जो है, the poet describes the final stanza में जो है, poet क्या describe करता है? He describes the mistress as dwelling in beauty. Mistress ही dwelling करती है, रहती है beauty में, but modifies the beauty by saying that beauty thou must die, right? आप जरूर मरोगे। Line number 28 of the poem है, beauty thou must die. ये भी question कई बार paper में आ चुका है। वैसे तो Keats की जो beauty है वो कभी मरती नहीं, वो कहते हैं beauty is truth, truth beauty, बट एक ओड है जहाँ पर वो उसके मरने की भी बात करते हैं, ब्यूटी मस्ट डाई, और ब्यूटी मस्ट डाई की बात उन्होंने कहाँ किया है, ओड ऑन मेलंकली में, राइट। ओड ऑन मेलंकली में लाइन नंबर 21 में वो ब्यूटी के डेथ की भी बात करते हैं, राइट। एक बहुत फेमस क्रिटिक हैं कीट्स के, नाम है उनका हरोल्ड ब्लूम। क्या नाम है उनका? हरोल्ड ब्लूम। वैसे हैरोल्ड ब्लूम 20th सेंचुरी के क्रिटिक हैं। इन्होंने सजेस्ट ये किया है कि दैट दिस प्रोवाइड्स द पोएम विद अ हिंट ऑफ कीट्स फिलॉसफी ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स की दो फिलॉसफी भी है जो अक्सर पेपर में आ जाती है, जिसके लिए कीट्स जाने जाते हैं। दोनों टर्म आपको लिख देता हूँ यहाँ पर और आएगा पेपर में, तुरंत उत्तर लगाइएगा। एक तो उनका टर्म है निगेटिव कैपेबिलिटी, निगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म खास करके शेक्सपियर को अप्रिशिएट करने के लिए यूज किया था जॉन कीट्स ने। और एक दूसरा टर्म है ईगोटिस्टिकल सबलाइम का यूज कीट्स ने किया था वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करने के लिए, वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करने के लिए ईगोटिस्टिकल सबलाइन, और शेक्सपियर को प्रेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए निगेटिव कैपेबिलिटी, इनका यूज किया है जॉन कीट्स ने अपनी जो है क्रिटिसिज्म में। तो हैरोल्ड ब्लूम का ये कहना है कि जो ये ब्यूटी मस्ट डाई वाली पिक्चर है, ये कीट्स के फिलॉसफी निगेटिव कैपेबिलिटी को उजागर करती है, क्योंकि एज ओनली द ब्यूटी दैट विल डाई मीट्स द पोएम्स स्टैंडर्ड ऑफ ट्रू ब्यूटी। जो पोएम का स्टैंडर्ड है ट्रू ब्यूटी, एकमात्र उसी से मिलती है, राइट। द इमेज ऑफ द ब्रेस्टिंग ऑफ जॉयज ग्रेप
gives the poem a theme of sexuality. According to critics, the bursting of the grape alludes to the passing from the moment of ultimate sexual pleasure to the decreased pleasure of a post orgasmic state. Right, sexuality की बात भी, sexual pleasure की बात भी Keats ने कहाँ किया है? Keats ने अपने ode melancholy में किया है. Clear? तो ये third ode हो गया. अब जो सबसे important ode है वो है ode to nightingale. अब ode to nightingale पर आते हैं. Ode to Nightingale 1819 में लिखा हुआ उनका सबसे longest ode है. Right, सबसे longest ode क्यों है? क्योंकि इसमें total 8 stanzas हैं. Right, 8 stanzas हैं यहाँ पर ode on Nightingale में. और 8 stanzas में सब में 10 lines हैं. और फिर सब में अगर 10 लाइंस हैं तो टोटल कितनी हो गए? टोटल 80 लाइंस हो गई हैं. पूरे पोयम में 10 लाइंस ईच हैं. राइट, और कीट्स ने ओड लिखा कहाँ था? इधर इन द गार्डन ऑफ स्पैनियर्ड्स इन, जब वो हैम्पस्टेड लंदन में रह रहे थे तब, अथवा अकॉर्डिंग टू कीट्स के एक फ्रेंड है, नाम था चार्ल्स आर्मिटेज. आपको बायोग्राफी में भी बताया था चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन. ऐसा उसने कहा है कि एक प्लूम का ट्री था, उस ट्री के नीचे कीट्स के घर के बाहर वो पेड़ लगा था और वहीं पर बैठ करके कीट्स ने ये पोयम लिखी थी, और वो भी हैम्पस्टेड में. राइट, और उसी के अकॉर्डिंग एक नाइटिंगेल ने जो है एक घोंसला बना लिया था कीट्स के घर के पास. नाइटिंगेल हैज बिल्ट इट्स नेस्ट नियर द हाउस दैट ही शेयर्ड विद कीट्स इन द स्प्रिंग ऑफ 1819. वहीं पर उसने अपना घोंसला बना लिया था, और कीट्स उसी बर्ड के सॉन्ग से इंस्पायर होते हैं. राइट, कीट्स इंस्पायर होकर के एक ही दिन में पूरी पोयम कंपोज कर डालते हैं, और जल्दी ही ये इट सून बिकेम वन ऑफ हिज 1819 ग्रेटेस्ट ओड्स and was first published in a journal आया था Annals of the Fine Arts. Annals of the Fine Arts और 1819 के जुलाई में ही Annals of the Fine Arts इसी में जो है छपी थी poem. Annals of the Fine Arts में जुलाई में poem छपी थी. कौन सी? Ode to a Nightingale. Ode to a Nightingale जुलाई 1819 में छपी थी. किस में छपी थी? Annals of the Fine Arts में. और Ode to a Nightingale जो है एक पर्सनल पोएम है जो कीट्स की जर्नी को जो है डिफाइन करती है. कहाँ से? कीट्स जर्नी इनटू द स्टेट ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी. राइट, कीट्स के जर्नी को निगेटिव कैपेबिलिटी में ले जाती है, और इसीलिए पोयम पूरी तरीके से पर्सनल पोयम हो गई है. और दूसरा काम पोयम का क्या है? द टोन जो है पोयम की, ये पूरी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक परसूच ऑफ प्लेजर जो है, प्लेजर के पीछे जो आशावादिता है उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करती है. राइट, और क्या एक्सप्लोर करती है? इंस्टेड द पोयम explores the themes of nature, transience and mortality. प्रकृति को, transience का मतलब होता है impermanency, क्षणभंगुरता को, और mortality को, mortality का मतलब होता है नश्वरता की बात करती है. and the latter being particularly relevant to Keats, जो पूरी तरीके से Keats से संबंधित है. right, और दूसरी चीज, द नाइटिंगेल है ये डिस्क्राइब करती है एक ऐसे अनुभव को, एक ऐसे एक्सपीरियंस को, और वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो कीट्स का डेथ के साथ होता है. द नाइटिंगेल डिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंसेस अ टाइप ऑफ डेथ बट डज नॉट एक्चुअली डाई. इंस्टेड
जो सॉन्ग का, जो बर्ड का सॉन्ग है, जो सॉन्ग बर्ड है इज कैपेबल ऑफ लिविंग थ्रू इट्स सॉन्ग, राइट, वो सॉन्ग के थ्रू जिंदा रहने के काबिल है, राइट, कैपेबल थ्रू इट्स सॉन्ग विच इज अ फेट दैट ह्यूमंस कैन नॉट एक्सपेक्ट. द पोएम एंड्स विद द एक्सेप्टेंस दैट प्लेजर कैन नॉट लास्ट. एक ऐसे स्वीकार युक्त पर पोएम खत्म होती है जिसमें वह कहता है कि प्लेजर बहुत दिन तक नहीं रह सकता है. प्लेजर कैन नॉट आज है लॉस्ट एंड डेथ इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ. मौत तो बेवफा जो है, मौत क्या है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत तो आनी ही आनी है. अंत तक जो है वो इसी बात को स्वीकार करता है कि प्लेजर बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है और डेथ अंत में आई जाएगी, वो इनइविटेबल है, अपरिहार्य है. उसी अपरिहार्यता की बात अंत में जा करके करता है. इन द पोयम कीट्स इमेजिन्स द लॉस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड शी इज हिमसेल्फ डेड, राइट, फिजिकल वर्ल्ड के लॉस की बात करता है, डेड, खुद को डेड डिक्लेयर करता है. एज अ शॉट ओवर द नाइट एंगल आज है ओवर विच द नाइट एंगल सिंग्स, और एक कंट्रास्ट भी है बिटवीन द इमोर्टल नाइट एंगल एंड द मोर्टल मैन सिटिंग इन द गार्डन. जो नाइट एंगल है उसका सॉन्ग इमोर्टल है, जैसे कि शैली के लिए स्काईलार्क का सॉन्ग इमोर्टल हुआ करता था, वैसे किड्स के लिए नाइट एंगल का सॉन्ग इमोर्टल है. बट जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, हु इज सिटिंग अंडर द ट्री राइटिंग द पोएम, वो मैन जो है वो पूरी तरीके से मोर्टल है. ये कंट्रास्ट प्रस्तुत किया है किड्स ने अपने पोएम ओड टू अ नाइट एंगल में. क्लियर. द प्रेजेंस ऑफ वेदर जो है इट इज ऑल्सो नोटिशियबल इन द पोएम, उसका भी जिक्र है. आज स्प्रिंग केम अर्ली इन 1819 ब्रिंगिंग नाइट एंगल्स ऑल ओवर द हीथ. नाइट एंगल स्प्रिंग के सीजन में आती हैं और उसी स्प्रिंग के सीजन में कीट्स ने पोएम भी लिखा था. और जब कीट्स ने पोएम उसी सीजन में लिखा है तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं है कि पोएम लिखी कब गई थी. थोड़ी सी स्ट्रक्चर पर हम और अगर बात करें कि पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, किस स्ट्रक्चर पर उन्होंने बेस किया है, तो ओड टू अ नाइट एंगल जो है इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ऑफ द मिडिल सेट ऑफ फोर ओड्स दैट कीट्स रोट फॉलोइंग ओड टू साइकी अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड चार्ल्स हर्मिटेज ब्राउन. दिस इज द फर्दर एविडेंस ऑफ द पोएम्स स्ट्रक्चर. कीट्स एक्सपेरिमेंटली जो है कंबाइंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिरिक पोएट्री, एक तो ओडल हीम को एंड द लिरिक ऑफ क्वेश्चनिंग वॉइस, दोनों को मिक्स कर देते हैं. और ये जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चर का वो किसके सिमिलर है, दैट इज सिमिलर टू द ओडन और ग्रेसियन एन. दोनों पोएम्स में एक डुअलिटी की बात होती है. डुअल फॉर्म जो है क्रिएट्स ड्रामेटिक एलिमेंट विद इन द टेक्स्ट. द एक्सटेंजा ऑफ द पोएम जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट. पेट्रार्क और शेक्सपियर दोनों सोनेट्स को कंबाइन कर दिया है जो है कीट्स ने अपनी पोयम में ओड्स ओड टू द ग्रेसियन अर्न में. और इसके अलावा कीट्स जो है हिस्टोरिकली देखा जाए तो ही इनकॉर्पोरेट्स पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग हिस्टोरिकली शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड्स इन हिज ओड, राइट. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही आपको बता दिया है. नेक्स्ट ओड जो है उनका ग्रेसियन अर्न के बाद जिसका नंबर आता है, कितने ओड हो गए, ओड सॉरी ग्रेसियन अर्न हो गया, इंडोलेंस हो गया, मेलंकली हो गया, और मेलंकली के बाद हो गया ओड टू नाइट एंगल. नेक्स्ट ओड है वो ओड टू साइकी. दिमाग पर ओड है और ओड टू साइकी 67 लाइंस की एक पोयम है, राइट. ओड टू साइकी 67 लाइंस की एक पोयम है रिटन इन द स्टेंजाज ऑफ वेरिंग लेंथ व्हिच टुक इट्स फॉर्म फ्रॉम द मॉडिफिकेशन कीट्स मेड टू द सोनेट स्ट्रक्चर. ओड इज रिटन टू अ ग्रेसियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्प्लेइंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल कल्चर
as the poet begins his discourses with O goddess, right? Psyche को goddess बोलता है. Psyche है कौन? Psyche a creature so beautiful that she drew the attention of Cupid himself. Cupid is the god of love. उसका attention draw करती है, draws the attention of the narrator whose artistic imagination causes him to dream of her. Surely I dreamt of her today. Surely I dreamt today, or did I see the winged psyche with awakened eyes? Right, winged psyche, awakened eyes, जागती हुई आँखों से सपना देखता है. As he relates himself to the mythical character of Cupid, he confuses the gods' emotions with his own and imagines that he has fallen in love with the woman's beauty. Right, ये शो किया है कि क्यूपिड है वो खुद वो गॉड ऑफ लव है और ही हैज फॉलन इन द लव ऑफ ब्यूटी. क्लियर. द पोएट डज हाउएवर अंडरस्टैंड द टेम्पोरल डिफरेंसेस बिटवीन द करेक्टर ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड हिज ओन. टेम्पोरल जो समय का गैप है वो परमानेंट है और ये मोर्टल है, इसको भी एक्नॉलेज करता है वो अपनी पोएम में. क्लियर. और जो लास्ट में जो नेक्स्ट ओड है इनका, ओड टू साइकी के बाद, ओड टू साइकी आई थिंक कितने हो गए, अब लास्ट में जब हम बात करेंगे वो है ओड टू ऑटम की. और पतझड़ वैसे भी सबसे बाद में ही आता है. ओड टू ऑटम में टोटल 3 स्टैंजास हैं और ये 3 स्टैंजास में जो है 11 लाइंस ईच हैं. और जब 11 लाइंस ईच हैं तो देयर आर टोटल 33 लाइंस. कितने लाइन की पोएम है? टोटल 33 लाइन की पोएम है. रिटेन कब हुआ था बताया ही आपको कि सितंबर 1819 में, और 1820 में पब्लिश हुआ था. 1820 में कीट्स की एक पोएट्री का वॉल्यूम आया था और उसका नाम था जो है लामिया, और द यू ऑफ सेंट एग्नेस भी उसी में पब्लिश हुई थी. और टू आटम जो है वो उनका फाइनल वर्क है ओड्स के फील्ड में, जो उन्होंने 1819 में लिखा था. ऑल दो पर्सनल एलिमेंट्स जो हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं, दे लेफ्ट हिम little time to devote to poetry in 1819, he composed to autumn after a walk near Winchester one autumnal evening. Right, Keats ke jo ode hain generally ek hi din ke work hain, ek hi din unko jo poetic inspiration milta hai wo thode der ke liye hi aur usi mein unka ode complete ho jata hai. Poem mein total 11 line stanzas hain. Aur kya describe karta hai? एक ऐसे प्रोग्रेस को जो प्रोग्रेशन थ्रू सीजन है. राइट, उसी प्रोग्रेशन थ्रू सीजन में ये भी कहा जाता है कि किड्स जीवन के 3 पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, चाइल्डहुड को, फिर एडल्टहुड को, और फिर ओल्डर एज को. राइट, मतलब फ्रॉम द इनोसेंस टू मैच्योरिटी डिस्क्राइब किया है ओड टू ऑटम में किड्स ने. राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सीजन जो है, फ्रॉम द लेट मैच्योरेशन ऑफ द क्रॉप्स to the harvest and to the last days of autumn when winter is approaching, when winter is nearing. The imagery is richly achieved through the personification of autumn. Autumn ko unhone personify kiya hai aur description uska diya hai, and the description of its bounty, its sights and sounds. It has parallels in the works of, right, unke works mein jo hai किससे किससे पैरेलल्स हैं. राइट, इट हैज पैरेलल्स इन द वर्क ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप आर्टिस्ट विद कीट्स हिमसेल्फ डिस्क्राइबिंग द फील्ड्स ऑफ स्टबल दैट ही सॉ ऑन हिज वॉक एज कन्वेइंग द वार्मथ ऑफ सम पिक्चर. राइट, उसी को कीट्स ने यहाँ पर पोर्ट्रे किया है. 3 स्टेजेस की बात, चाइल्डहुड, मेच्योरिटी, और जो है चाइल्डहुड, एडल्टहुड, और लास्ट के जो पीरियड है उसकी बात करते हैं. राइट, और ओड टू ऑटम जो है इट हैज बीन रिगार्डेड बाय क्रिटिक्स एज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट शॉर्ट पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सबसे परफेक्ट शॉर्ट पोएम इंग्लिश लैंग्वेज की
बात इन्होंने यहाँ पर की है। और पोएम में एक एलिगरी भी है, और वो एलिगरी जो है पीटर लू मसाकरी का भी जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया है। राइट, द वर्क हैज बीन इंटरप्रेटेड एज अ मेडिटेशन ऑन डेथ। राइट, ये ओड जो है एक मेडिटेशन भी है। किस पर मेडिटेशन है? इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पोएम एज अ मेडिटेशन ऑन डेथ। राइट, डेथ पर एक मेडिटेशन है। और कीट्स यहाँ पर किसकी बात कर रहे होते हैं? पीटर लू मसाकरी के रिस्पांस में ये पोयम लिखी गई है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पीटर लू मसाकरी के रिस्पांस में कौन सी पोयम लिखी गई थी, तो उत्तर है ओड टू ऑटम। कौन सी पोयम कीट्स की है जो मेडिटेशन ऑन डेथ पर है, वो है ओड टू ऑटम। कीट्स की कौन सी ऐसी पोयम है जो लाइफ के थ्री स्टेजेस की बात करती है, तो वो है ओड टू ऑटम। राइट, ये सारी चीज़ें एक ही पोयम में यहाँ पर बताई गई हैं, और ये सारे क्वेश्चन में यहाँ पर जो है पेपर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, पेपर में इन पर क्वेश्चन बन भी चुका है। तो आप इसको भी यहाँ से जो है मिस नहीं करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताई हैं ओड टू ऑटम के बारे में। पोयम की अगर हम बात करें तो पोएम पूरी तरीके से पर्सोनिफाइड पोएम है, जहाँ पर वो ऑटम को एज ए ह्यूमन बीइंग ही एड्रेस करते हैं। राइट, ये सबसे ज़्यादा पर्सोनिफाइड पोएम की कैटेगरी में जो है वो यही पोएम है जो है ओड टू ऑटम। राइट, पोएम कीट्स ने लिखी थी, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तो आप उत्तर लगाइएगा। पोएम शुरू ही होती है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से, और उसको बोलता है सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि कीट्स ने किस पोएम को, किसको डिस्क्राइब किया है कि वो सीजन ऑफ, किसका सीजन है? सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। राइट, किस सीजन की बात कीट्स इसके थ्रू करते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा कि ऑटम की बात वो इस सीजन से करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन। फर्स्ट स्टेज में मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट एंड वाइन्स दैट राउंड द थैच even runs to bend with apples and to bend with apples the mast cottage trees and fill all fruit with ripeness to the core to swell the gourd and plump the hazel shells with the sweet kernel to set budding more and still more later flowers for the blessed until they think warm days will never cease। क्लियर, तो ये पोएम का पहला स्टेंजा था जो हमने आपको रिसाइट किया है, जो हमने सुनाया है आपको। उससे बहुत टेंशन नहीं लेनी है। कुछ फिगर्स आप स्पीच भी हैं इस पोएम के, अगर आप पोएम को एक बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सेकंड स्टेंजा ही स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से, हु हैथ नॉट सीन दी आफ्ट अमिड दाई स्टोर। हु हैथ नॉट सीन दी आफ्ट अमिड दाई स्टोर। दाई क्या है? पूरी तरीके से पर्सोनिफाइड है। दाई इज द ऑटम। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उत्तर जो है पर्सोनिफिकेशन ही लगा करके आएंगे कि दाई कौन है, तो दाई वहां पर हो जाएगा उत्तर ऑटम। ये पूरी तरीके से पर्सोनिफाइड है। क्लियर, तो आज की वीडियो में हमने कीट्स के सारे ओड्स को डिस्कस कर लिया है। अब कीट्स के कुछ और भी पोएम्स हैं, जैसे कि एंडीमियन, लामिया, हाइपीरियन, द यू ऑफ सेंट एग्नेस। राइट, इनका जिक्र हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू विल गेट दैट वीडियो वेरी सून। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को अपने देखते रहिए, वॉच करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही एक नेक्स्ट क्लास में एक नया वीडियो के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।